राम की पैड़ी पर कैसे दीप सजाए गए हैं। आज एक बार फिर से दीपों की रोशनी में अयोध्या नहा जाएगी, सुंदर दृश्य होगा। खूबसूरत तरीके से ये पैड़ी सजी हुई है और आइए और विस्तार से समझते हैं इन बातों को। वीरेश पांडे हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वहीं पर मौजूद हैं और चूंकि वो लगातार वहां पर नजर बनाए हुए हैं इसलिए वर्तमान दृश्यों को भी मुख्यमंत्री के वहां पर पहुंचने से लगाए जो दूसरी चीजें सामने आ रही हैं, वीरेश उनके बारे में दर्शकों को विस्तार से बताएं। राम की पैड़ी पर दीप सजा गए हैं, उसमें तेल भी पड़ चुका है, बाती भी पड़ चुकी है और इस वक्त चूंकि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से राम की पैड़ी और सरयू का तट आसपास ही है तो इस वक्त मैं सरयू के तट पे हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री को यहाँ आना है और प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे तो उनकी सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था, यानी मैं कह सकता हूँ कि थल से लेकर नब नब से लेकर जल तक की जो व्यवस्था है वो NDRF की टीम लगी हुई है और यहाँ पर वो लगातार चल रहे हैं। साथ ही साथ आपको दिखाना चाहूँगा कि ये RAF की टीम है, CRPF की टीम है, दूरदर्शन की टीम भी यहाँ लगाई गई है, सारी व्यवस्था जो लाइव काटा जा सके। सरयू तट पर प्रधानमंत्री को सरयू आरती करने भी आना है तो जो आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी का आलम यह है कि इस बार दीपोत्सव में जो सुरक्षाकर्मी हैं वो बड़ी तादाद में भेजे गए हैं, 1 दर्जन IPS अधिकारी आए हैं यहाँ पर तो 200 के करीब इंस्पेक्टर, 150 के करीब डिप्टी SP, 250 के करीब सब इंस्पेक्टर और 3000 कांस्टेबल अन्य जिलों से प्रदेश के इलाकों से बुलाए गए हैं और चहलकदमी बढ़ गई है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी आना है निरीक्षण करने। जैसा कि आप बता रहे थे कि मुख्यमंत्री अपनी आंखों से सब कुछ देख लेना चाहते हैं और वो निरीक्षण करने आएंगे, इसलिए जो यूपी पुलिस के लोग हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं, RAF के लोग तो एक्टिव हैं ही, जो अर्धसैनिक बल हैं वो भी एक्टिव हैं, साथ ही साथ PSC के जवानों की बड़ी संख्या यहाँ पर लाई गई है, जो पुलिस के जो जवान हैं वो अलर्ट हैं। और ये जो सरयू तट है, सरयू तट पर जिस तरीके से व्यवस्था की गई है क्योंकि प्रधानमंत्री को सरयू तट पे आना है, आकर यहाँ पर सरयू आरती करनी है, उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी किसी भी क्षण वहाँ से सरयू तट और राम की पैड़ी का निरीक्षण करने आएंगे, स्टेज देखेंगे, अपने सलाहकार रोनीश अवस्थी के साथ वो आए हैं, एक एक पल की वो जानकारी ले रहे हैं क्योंकि पूर्व में पर्यटन के प्रमुख सचिव के तौर पर दीपोत्सव की शुरुआत जब हुई थी 2017 में उस वक्त रोनीश अवस्थी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन में ये सारा आयोजन किया गया था, इसलिए उनके अनुभव का जो है वो सहयोग लिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन ने उनके साथ कई बैठकें की हैं और साथ ही साथ राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वो सदस्य भी हैं तो अयोध्या से उनका जो वास्ता है और जो उनका तारुफ है उसका अनुभव प्राप्त करने की वजह से जो प्रशासन है वो ले रहा है। आप देखिए जो आप सरयू के तट पर जो NDRF की टीम है वो काफ़ी एक्टिव है, एक्टिव इस लिहाज से है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए। और ये जो पुल आप देख रहे हैं, ये जो पुल है वो सीधे गोंडा से जोड़ता है बहराइच और आसपास के बस्ती के इलाकों को, इसलिए इस पुल पे भी आने जाने से लोगों को मना कर दिया गया है, आवाजाही बंद कर दिया गया है। ये जो लड़ी लगी हुई है शाम को इसे सजाया जाएगा, सरयू के तट को भी सजाया जाएगा दीपोत्सव, चूंकि 15 से 17 लाख जो दिए हैं वो राम की पैड़ी पर जलाए जा रहे हैं और इसके अलावा जो 2 या 3 लाख जो हैं के सरयू तट ऐसे सजाया जाएगा और साथ ही और जो ये इलाका आप देख रहे हैं जहां पर ये पर्दा लगा हुआ है वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी को सरयू आरती करने आना है, वहां की व्यवस्था को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया गया, साफ सफाई भी की गई है, चूंकि SPG अपने प्रोटेक्शन में इस पूरे इलाके को ले चुकी है और जो जैमर है वो भी पूरी तरीके से चालू हो चुका है, लाखों की भीड़ आपको राम की पैड़ी पर देखी जा सकती है, वॉलंटियर हैं यहाँ पर और बहुत सारे सुरक्षा है। इस वजह से राजेंद्र आपको पता है कि जो सब लोग अपना लाइव वीडियो शुरू कर देते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देते हैं, सब फेसबुक लाइव शुरू कर देते हैं, नया जमाना है, नई तकनीक है, 5G और 4G का जमाना है, इस वजह से हम लोगों को थोड़ा सा खिसक कर सरयू के तट पर आना पड़ा क्योंकि जब लोगों का दबाव बढ़ जाता है और सभी के हाथ में स्मार्ट मोबाइल और साहब सब ऑन करके लगा देते हैं कि भाई फेसबुक लाइव देखो चचा, फेसबुक लाइव देखो पप्पा, और सारे भाई बहनों को दिखाते हुए बहुत सारे
सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर बहुत उत्साहित हैं। इस वजह से हम लोगों के काम में तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन ठीक है, उनका उत्साह है और हम अपने कैमरे की नज़र से सरयू के तट के आसपास के इस इलाके को दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को आना है, मुख्यमंत्री को आना है और मुख्यमंत्री के काफिले के लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। अब कैमरे की नज़र तो वहाँ नहीं जा रही, लेकिन जो सीएम सिक्योरिटी के लोग हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं कि सीएम सिक्योरिटी के लोग अंदर जाते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री के काफिले की जो गाड़ियाँ हैं उसमें से कुछ गाड़ियाँ राम की पैड़ी की तरफ मूव कर रही हैं और साथ ही साथ जो सुरक्षा के लोग हैं वो अलर्ट पे हैं। इस लिहाज से मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मुख्यमंत्री किसी क्षण आ सकते हैं। ये राम की पैड़ी देखिए, जो अपने कैमरे की नज़र से मैं दिखा रहा हूँ राजेंद्र, ये राम की पैड़ी की छटा है, क्योंकि जैसे मैं और नज़दीक गया, जैसे नज़दीक गया वैसे ये आपका जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि दर्शकों का वो कनेक्शन टूटे और मैं कैमरे की नज़र से जो राम की पैड़ी है वहाँ की छटा को ज़रूर दिखाऊंगा। भव्य तरीके से इसे सजाया गया है, खूबसूरत तरीके से इसकी पेंटिंग हुई है, रंग रोगन हुआ है, लेज़र टेक्निक से बहुत सारी चीज़ें, रामायण की रामलीला का मंचन होगा, जो 12 से 13 देश के राजदूत उच्चायुक्त भी यहाँ आएंगे, निवेश की संभावनाओं को देखेंगे कि कैसे कानून व्यवस्था का राज यहां स्थापित हुआ है, कैसे उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, जो राजदूतों उच्चायुक्तों को बुलाया गया है, यहां से अयोध्या की धरती से एक संदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये करेंगे कि जो बेहतर निवेश है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो यूपी में आ सके और यूपी में पहले से बेहतर व्यवस्था हुई है, इसलिए यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो मनोरम छटा है उसे राजदूत और उच्चायुक्त दूसरे देशों के जरूर देखेंगे, प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, लोक कला लोक संस्कृति को बढ़ावा देकर यहाँ पर यह स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि अवध का जो कल्चर है, जो शामे अवध के रूप में विख्यात है, उसे कैसे शाम यहाँ की सुहानी की जाए, कैसे यहाँ व्यवस्थित किया जाए। दीप और दीपोत्सव का त्यौहार तो राजेंद्र बहुत वर्षों से, कई सदियों से मनाया जाता रहा है, लेकिन 2017 में आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जो व्यवस्था की, उसके बाद इस बात का एहसास अयोध्या के लोगों को भी हुआ कि दीपोत्सव का त्यौहार अयोध्या के लिए कितना ज़्यादा महत्व रखता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दीपावली तो हमेशा से यहाँ मनाई जाती रही, दीपोत्सव, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली हमेशा मनाई जाती रही अयोध्या में, लेकिन राजेंद्र आप भी इनकार नहीं कर सकते इस बात से कि 2017 में सरकार आने के बाद से दीपोत्सव को जिस तरीके से निरंतर भव्य किया जाता रहा, अपने ही रिकॉर्ड को मुख्यमंत्री और उनकी सरकार और जिला प्रशासन तोड़ता रहा, कभी 9 लाख दिए तो कभी 10 लाख तो कभी 12 लाख तो आज 17 से 18 लाख हो गया है, तो ये प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ती रही और जो अयोध्या, अयोध्या के आसपास के लोग और साथ ही साथ हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे और इलाके इलाके तक लोगों को एहसास हो गया कि अयोध्या के लिहाज से दीपोत्सव कितना महत्व रखता है। और इस बात का एहसास हम पत्रकारों को भी है, क्योंकि 17 से इस पूरे दीपोत्सव को कवर करते हुए इस बात का भान हो रहा है कि किसे इसे भव्य और दिव्य बनाया गया, क्रमशः बनाया गया, धीरे धीरे यहाँ की व्यवस्थाएं बढ़ाई गई और आज पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डबल इंजन की सरकार का दावा किया जाता है, तो आज दोनों डबल इंजन, एक दिल्ली वाला इंजन, एक लखनऊ वाला इंजन, साथ साथ दीपोत्सव में देखेंगे और यहाँ की छटा को पूरे संसार में आगे बढ़ाएंगे। अयोध्या को पर्यटन के लिहाज से बहुत फायदा होगा, अयोध्या की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी बहुत फायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, जो निवेश के लिहाज से अयोध्या को, जो धार्मिक पर्यटन है जिसका तमाम आयोजनों से पर्यटन के मॉन्यूमेंटल अयोध्या बहुत विशेष लाभ में रहने वाली है। और आपने जो नेटवर्क की सीमाएं है उसके भीतर भी आपने आसपास के तमाम महत्वपूर्ण दृश्य हमारे दर्शकों को दिखाए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि जो सबसे बेहतर संभावना हो सकती है उन दृश्यों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की, उसको आप आगे भी तलाशेंगे और उसको आगे भी आप दिखाएंगे ही। तो आप हमारे साथ बने रहे वीरेश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।